नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो कि कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कंडीशन होता है वो होता है इट शुड इन्वॉल्व अ मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि मैं पहले ही अब बता चुका हूँ, तो उसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि मेटल्स की होती है। हम लोग को अच्छे से पता है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है मेटल्स का, लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट सेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म एन गैसियस आयन। तो मतलब जितना हमारा एनर्जी एक एटम के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होता अभी ज़रूरत होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जितना ज़्यादा एक एटम मेटालिक होगा उतना ये आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। हायर द मेटालिक कैरेक्टर लोअर इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड ईजियर इट विल बी टू मेक एन इलेक्ट्रॉन मेक एन एटम कैटायन और टू फॉर्म इन कैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल यही है, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी हायर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जैसे कि अभी मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो यहाँ पे नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना ज़रूरी है, और नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो हम लोग को प्रॉपर्टी चाहिए होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यू कैन से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, या फिर वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन ईजिली कर सके। तो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, या फिर अगर हम लोग लें पीरियड वन में जब टू या थ्री जो भी हो गया लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, एंड जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में आसानी होती है। तो एक मेटल के लिए जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत है वो है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक अभी नॉन मेटल के लिए जो हम लोग को ज़रूरत है वो है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे आ जाता है हम लोग का चौथा प्रॉपर्टी जो कि है लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना वहाँ पे नहीं है ज़रूरी, दो जो अभी वहाँ पे एलिमेंट आपस में कॉम्बाइन होंगे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से इसे हम लोग अभी समझने का कोशिश करते हैं। सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 0.7, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4। तो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है हम लोग को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और ये डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा होगा तब वहाँ पे जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा वो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आयनिक प्रॉपर्टी होगी। एंड इवन सीजियम फ्लोराइड नाम का जो कंपाउंड है ये सबसे ज़्यादा आयनिक है। कितनी बार अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, व्हाई द सीजियम फ्लोराइड इज नोन एज मोस्ट आयनिक कंपाउंड, तो इसका आंसर क्या होगा, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दे हैव द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट आयनिक इन नेचर। तो आई थिंक ये अब ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ज़्यादातर हमारा अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2 या अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमारा जो बॉन्ड होता है इट इज़ योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और यू कैन से आयनिक बॉन्ड। तो ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग को देखनी थी, सॉरी कंडीशन जो हम लोग को अभी समझने थे। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग डॉट स्ट्रक्चर में। डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, तो डॉट स्ट्रक्चर हमारा ये एक्चुअली लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। कहाँ से आया ये हमारा आया जब भी हम लोग किसी भी एटम के लास्ट सेल को खाली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1, तो यहाँ पे 1 हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन को अब मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है, रिप्रेजेंट ओनली वी रिप्रेजेंट द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए डॉट। ओके, तो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 2, 8, 7 हो गया, तो यहाँ पे कितने डॉट्स होंगे, 7 हो गए, ऑब्वियसली 7 हो गए। अच्छा, तो यही होता है हमारा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। अगर अब आने ऑक्सीजन कहाँ क्या हुआ, ये हो गया ऑक्सीजन। अब देख रहे होगे यहाँ पे हर जगह तब मैंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक संग किया है और सिंगल इलेक्ट्रॉन को अलग किया है, तो यही अभी होता है प्रोसेस इसको रिप्रेजेंट करने का। ऐसा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। तो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वन पोजिशन। आप तो इसका बेटर एग्जांपल होगा एल्युमिनियम ले लेते हैं हम लोग, इसका इसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा अब, या फिर अपे
we represent a pair of electrons in one side, and if there is a single electron, we will represent it as a lone. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर. डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं. सोडियम क्लोराइड का ही एक हम लोग आयन एक अभी कंपाउंड हम बनाने का ट्राई करते हैं, वहीं पे हम लोग डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ देखते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम और सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के टाइम में सोडियम से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है क्लोरीन के पास में. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑब्वियस है सोडियम तो हमारा है ही, लेकिन अब यहाँ पे 2-8 हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन. क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो एक बार हम लोग अगर चाहें तो उसे डार्क डॉट या फिर क्रॉस से भी रिप्रेजेंट अभी हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, और क्लोरीन का जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं, या फिर अगर एक काम करते हैं इसको क्रॉस ही दे देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ये आ गया हमारा क्लोरीन का आयन, ये हो गया नेगेटिव. अगर हम लोग चाहें इसे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड. अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2A2 है इसका EC और ऑक्सीजन का है 2-6. तो यहाँ पे ऑब्वियस है ऑक्सीजन को अपना वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी अब चाहिए. मैग्नीशियम को अपना वैलेंस सेल को ऑक्टेट अभी बनाने के लिए उसको अभी अब चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसको लूज करना होगा. तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अब मैग्नीशियम यहाँ पे देगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का 2+ आयन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और वही ऑक्सीजन का 2- आयन. अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाद में, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डॉट स्ट्रक्चर. अब यहाँ या फिर डॉट स्ट्रक्चर का हमारा यूज़ कैसे होता है, आई थिंक ये भी चीज़ क्लियर होगा. और लास्ट है हमारा टॉपिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जिसका मैं डायग्राम बनाऊँगा अभी. अब बनाने वाले हैं अपना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. लेट्स सी ये कैसा होता है. पहला तो हमारा हो गया सोडियम. सोडियम में 3 सेल्स होते हैं, तीनों सेल में हमारा क्या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब कैसे होते हैं वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर दिया है. क्लोरीन में क्या होता है, यहाँ पे भी 3 ही सेल होते हैं, सेल थोड़ा पास आ गया तो उसे थोड़ा दूर दूर ले जाते हैं, अब नहीं तो सेल के चक्कर में यहाँ पे कुछ और हो जाएगा. ओके, ठीक है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अभी हम लोग को अब बनाना है. सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, वो बना दिया. सोडियम के नेक्स्ट सेल में ऑब्वियस है 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको भी बना दिया. सोडियम का लास्ट सेल 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी हो गया. क्लोरीन का 2-8-7 यहाँ लिख भी देते हैं 2-8-7. अच्छा, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में समझा के क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या फिर फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स. तो ये वाला देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको दे देता है तो लास्ट सेल में ऑक्टेट आ जाएगा. तो यही चीज़ हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पे दिखानी है. यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को मिस किया है, उसे अभी बना देते हैं. आई थिंक सो 7 था, 6 था. तो ये इलेक्ट्रॉन अभी ट्रांसफ़र होके क्लोरीन के वैलेंस सेल में आएगा, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो सोडियम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको दान में दे देगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सोडियम के लास्ट सेल में सिर्फ 2 ही सेल होंगे उसके, तो 2-8 हो जाएगा इसका. पहला सेल में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा सेल तो इसका रहा ही नहीं भाई, इसने तो इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया. यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन. उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन कैसे फॉर्म होगा, क्लोरीन का भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो होगा 2-8-8. तो मैं सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, खाली लास्ट सेल का भी हम लोग अभी बना लेते हैं. ये वाला जो हमारा था इलेक्ट्रॉन ये आया होगा सोडियम के पास से, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा नेगेटिव. और इन दोनों के बीच में क्या कोई फोर्स होगी, हाँ ऑब्वियसली फोर्स होगी, जो कि होगी कूलम फोर्स. ठीक है, और ये कूलम फोर्स कहाँ से आया, वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको जब हम लोग अभी मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन कूलम्स, क्योंकि दोनों चार्ज हैं और दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा मेजर, इट विल बी मेजर्ड बाय नोन एज व्हाट योर कूलम फोर्स. तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो कूलम फोर्स को दिखाना होगा. तो ये तो था हमारा सोडियम क्लोराइड का पूरा ऑर्बिटल डायग्राम, जो कि तुम लोग देख सकते हो. आई थिंक अभी अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे अब बनाना है. एग्जाम में पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आना चाहिए. तो ये तो सोडियम क्लोराइड का था, मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऐसे आ सकता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी आ सकता है. तो अपने आप इसको